आतंकवादियों ने देर रात कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगाम बेरीनाग इलाके में बीजेपी के अनंतनाग जिला के उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर उर्फ अटल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद भाग निकले आतंकियों की तलाश के लिए व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की घोर निंदा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेआम एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना उस समय हुई जब केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी ब्रिजेश गोयल के लिए खुली जीप में रोड शो कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार का प्रबंधन और संचालन की कमान केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल के हाथों में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा अपना आशीर्वाद देने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे, परंतु अब नाम और काम दोनों से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के 5वें चरण के लिए प्रचार शनिवार की शाम को थम गया। अब सोमवार को 7 चरणों की 51 सीटों पर करीब 2,47,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में तराई, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की 14 सीटों पर 181 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए ये 5वां चरण बहुत अहम है, क्योंकि 2014 में यूपी की 14 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी विजय हुई थी। विंग कमांडर अभिनंदन का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो श्रीनगर स्थित भारतीय वायुसेना के विंग एयरबेस पर अपने कुछ साथियों के साथ दिख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अभिनंदन के साथ सेल्फी लेने के लिए उनके साथियों में बेसब्री है। इस वीडियो में भारत माँ की जय के नारे भी लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की कयासों को निराधार बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है। बीजेपी इसके सामने लाचार नजर आ रही है, इसलिए दोनों पार्टियों को लेकर भ्रम फैला रही है। मायावती ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव के बाद जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 23 मई को देश को निरंकुश और अहंकारी शासन से मुक्ति मिल जाएगी। भोपाल के जिला चुनाव अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रज्ञा के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के दौरान प्रचार करने को लेकर भेजा गया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि 3 दिन के प्रतिबंध के बावजूद प्रज्ञा चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव अधिकारी ने साध्वी प्रज्ञा से जवाब मांगा है। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान फैनी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 पर पहुंच गई है। राज्य के लगभग 10,000 गांवों और 52 शहरी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इस तूफान से करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।